हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो माइनिंग सरदार का क्वेश्चन था, जो कि 8 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिसमें कुछ कैंडिडेट को कंफ्यूजन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि गलत है, जिसका आंसर गलत है, और बोनस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग बता दें कि इससे पहले हमने माइंस एक्ट और माइंस रूल पे एमसीक्यू क्वेश्चंस के दो वीडियोस बनाए थे, 20-20 क्वेश्चन के आसपास दोनों में थे। और इस बार जो एनसीएल का माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन हुआ उसमें करीबन 18 क्वेश्चन एमसीक्यू, जो 18 क्वेश्चन थे वो माइंस एक्ट और रूल से पूछे गए थे, जिसमें से हमारे वीडियोज में 12-15 क्वेश्चन कवर कर दिए गए थे सिर्फ 40 क्वेश्चन में। मुझे लगता है कि अगर मैं एक और वीडियो बनाता, 20 क्वेश्चन और इंक्लूड करता तो शायद सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो जाता, बट कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें लोगों को डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। इसका क्वेश्चन है कि ओवरऑल ग्रेडियंट यानी ओवरऑल स्लोप क्या होगा स्पॉइल डंप यानी कि ओवरबर्डन का, अगर ओवरबर्डन डंप का हाइट 30 मीटर को पार कर जाता है। नॉर्मली क्या होता है, 30 मीटर से कम रखा जाता है हाइट को, और जब 30 मीटर से कम रखा जाता है तो उसका एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब वो 30 डिग्री को पार कर जाता है तो सीढ़ी नुमा उसका डंप बना जाता है और वो एक वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल यानी 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल इसका स्लोप होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि प्रत्येक माइंस में जहाँ भी मैकेनिकल वेंटिलेटर चलता है उसमें मैकेनिकल वेंटिलेटर से कितना हवा निकल रहा है, इसका क्वांटिटी मात्रा का मेजरमेंट कितने अंतराल पर किया जाता है, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो बार, 14 दिन में एक बार, या फिर 30 दिन में एक बार। इसका जो सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसमें दिया हुआ है वंस इन 14 डे, और इसका सही आंसर वंस इन 14 डे ही होगा। इसका रेगुलेशन नंबर 156 में जब आप पढ़िएगा पॉइंट नंबर 8 तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 का ए में पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि हर माइंस में जहां भी मैकेनिकल वेंटिलेटर प्रयोग में लिया जाता है उस जगह में हर 14 दिन कम से कम एक बार हवा की मात्रा नापी जाती है। और उसी का बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि लेकिन अगर वो नॉन फायरी सिम है या फिर फर्स्ट डिग्री की गैसी सिम है तो उस जगह पे 30 दिन में एक बार नापी जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि कोई जिक्र नहीं किया गया है कि ये 1 डिग्री माइंस है, नॉन गैसी सिम है, तो इसीलिए हम लोग उसमें वो आंसर लिखेंगे जो नॉर्मली किया जाता है, जो कि 14 दिन में एक बार नॉर्मली हवा की मात्रा ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कहा गया है कि अनयूज्ड वर्किंग जो कि यूज़ में नहीं है, जितने भी अनयूज्ड वर्किंग होते हैं और या फिर सील्ड एरिया होता है, इनका इंस्पेक्शन किसी भी कंपिटेंट पर्सन के द्वारा इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस को नापने के लिए कंपिटेंट पर्सन कितने दिन के अंतराल में कम से कम एक बार करता है, 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करता है कोई भी कंपिटेंट पर्सन जो होता है, वो इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस का जाँच करता है, जितना भी अनयूज्ड वर्किंग है या फिर सील्ड ऑफ एरिया है इन जगह पर जाके जाँच करता है, वो 7 दिन में एक बार जांच करता है। लेकिन इसमें से कहीं 7 दिन का आंसर नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि जब भी माइन प्लान बनाया जाता है तो उसका स्केल जो जनरल रिक्वायरमेंट होता है स्केल का वो कितना होता है, 2000:1, 1000:1, 5000:1, 2000:1, या फिर 1000:1 दोनों। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा और रेगुलेशन नंबर 64 के हिसाब से जो 64 का डी पॉइंट में दिया हुआ है वो है कि कोई भी नक्शा या फिर सेक्शन हम लोग जब बनाते हैं तो 2000:1 यानी कि 2000:1 या फिर 1000:1 के पैमाने पर बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो है क्वेश्चन नंबर 48। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, इंजरी है, जिसमें हम लोग एक्सीडेंट वाले एरिया को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फैटल एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट, फैटल और सीरियस एक्सीडेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है ओवरमैन हैंडबुक में भी दिया हुआ है क्लियरली साफ साफ कि फैटल इंजरी और सीरियस एक्सीडेंट जब है तो उन कंडीशन में हम लोग उस जगह को, घटनास्थल को नहीं टच करेंगे, छेड़छाड़ उससे नहीं करेंगे। अगर रेस्क्यू करने के लिए वो ज़रूरी है तब हम वो करेंगे, बट रेस्क्यू के लिए अगर वो ज़रूरी नहीं है तब हम घटनास्थल से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो एलसी काकू का ओवरमैन हैंडबुक का पेज नंबर 405 खोल के देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सीरियस बॉडी इंजरी अगर हो जाता है या फिर फैटल एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी स्थान है, घटना स्थल है, उसमें जो का तो हम बना रहने दिया जाएंगे और फेंसिंग करवा देंगे ताकि जो भी इंस्पेक्टर आएगा आके सही सही जाँच कर सके। लेकिन कोई भी व्यक्ति का अगर हमको रेस्क्यू करना है या कुछ चीज़ अगर हमको हटाना पड़े, तोड़ताड़ करना पड़े, कुछ ऐसा चीज़ करना पड़े तो उसके लिए हम लोग उसमें फेरबदल कर सकते हैं। और अगर इंस्पेक्टर दुर्घटना के 72 घंटा के अंदर नहीं पहुंचता है तो मैनेजर उस जगह को सुरक्षित बनाकर फिर से काम शुरू कर सकता है। अब हम लोगों ने बात किया कि कौन कौन से कन्फ्यूज़न वाला सवाल था सेक्शन ए का, यानी टेक्निकल जो था उस टेक्निकल राउंड का। अब हम लोग बात करेंगे टेक्निकल राउंड में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो जिसका आंसर गलत दिया गया है, आंसर की गलत दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है एनी एक्सकवेशन मेड और बिंग मेड इन ए माइन फॉर सर्च फॉर ऑब्टेनिंग कोल इज बॉक्सिंग, वर्किंग, ड्रिलिंग या एक्सप्लोरेशन। तो इसका आंसर जो आंसर की में दिया हुआ है वो एक्सप्लोरेशन है। बट अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 2 का जब वर्किंग निकालिएगा, वर्किंग का डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्लियरली कि एनी एक्सकवेशन मेड और बींग मेड इन ए माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड वर्किंग। तो इसीलिए इसका आंसर गलत है, आप एक बार अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गलत है वो है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि खान में मैनेजर अथवा कोई भी अधिकारी या फिर वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को निम्न में से बढ़ा दिया गया है, 65 से 70 साल, 60 से 65 साल, 60 से 70 साल या फिर 65 से 75 साल। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 65 से 70 साल दिया गया है। लेकिन ये गलत है क्योंकि रेगुलेशन नंबर हम जब 25 देखते हैं, मैनेजर और पदाधिकारी आदि के सर्टिफिकेट की वैधता, यानी वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिसियर एट्सेट्रा, तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि 60 साल की आयु पार करने के बाद कोई भी खाइंस का मैनेजर हो, पदाधिकारी हो, वाइंडिंग इंजन हो, इसके रूप में काम नहीं करेगा जब तक कि उसने एक पिछले एक वर्ष के अंदर इस बात का डॉक्टरी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया हो जो नियम एक्ट रेगुलेशन के अधीन जरूरी है। पहला चीज़ तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद उसी रेगुलेशन का सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि एक पॉइंट यानी कि जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसके होते हुए भी 70 साल की आयु प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी खान के मैनेजर या पदाधिकारी या वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के रूप में काम नहीं करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए सी, यानी कि 60 से 70 साल होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन यानी सेक्शन बी जो कि नॉन टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें लोगों को कन्फ्यूजन है। पहला है क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2019 का हिंदी शब्द घोषित किया था? नारी शक्ति, हिंदुस्तान, मुद्रा या पर्यावरण? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संविधान, यानी कि संविधान जो वो ऐसा वर्ड था जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2019 का हिंदी वर्ड घोषित किया था। तो इसमें ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, एक तरह से समझ लीजिए कि बोनस क्वेश्चन है इसलिए बोनस लिखा हुआ है आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 इज़, यानी कि मानव विकास सूचांक 2019 में भारत का स्थान है 130वां, 78वां, 140वां या 80। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 129वां, 129th रैंक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की साइड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।